हेलो एवरी वन एंड अ वेरी बॉम वेलकम टू शिक्षा सो गाइज दिस इज लेक्चर नंबर ट्वेंटी फाइव फॉर एम सी क्यूज ऑन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल बेसिकली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यार एंड अगेन uh, इसके अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी देखेंगे देखो अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हमने सारे कवर कर लिए दो सौ तीन सौ क्वेश्चन से ऊपर निकल करके आते हैं जो हम कवर कर रहे हैं और अगर हमने वो भी कवर कर लिए तो अल्टीमेटली आप ये लगा लो कि आपकी ऑलमोस्ट पूरे की पूरी, पूरी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अच्छे से रिवाइज हो जाएगी ठीक है सो लेक्चर नंबर ट्वेंटी फाइव है एंड टेन एम सी क्यूज इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पहले हम पांच पांच कर रहे थे अब दस दस कर दिए हैं इसके अंदर हिस्ट्री के अंदर ताकि जो हमने प्रीवियस डेज के अंदर हमारा बैकलॉग रहा है वो क्लियर हो जाए ओके सो टेन एम सी क्यूज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर एंड पी डी एफ आपको इसका पी डी एफ का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो एंड अदरवाइज आप एम सी क्यू कॉम्बो कोर्स अगर ले रहे हो तो उसमें फिर आपको अलग से पी डी एफ सब्सक्रिप्शन नहीं लेना और ये बहुत बेहती बेहद आपको मजा आएगा इस कोर्स के अंदर ये एमसीक्यूज करने के बाद आप बेसिकली आपको ऐसा लगेगा एक कॉन्फिडेंस आपको फील होगा कि हाँ आपने तैयारी की है एंड डेफिनेटली आपको जो आपके ये थर्टी फाइव मार्क्स हैं उसके अंदर काफी ज्यादा थर्टी फाइव टू फोर्टी मार्क्स हैं ये इंडस्ट्रियल रिलेशन लेबर लॉ सोशल सिक्योरिटी और गैप के अगर मिलाकर के मैं बात करूँ

लिस्ट में आपको चार बुक्स की मन है तीन की जगह शतरंज के खिलाड़ी देवी चौधरानी नील दर्पण और चंद्रकांता तो यहाँ पर आपका देखो करेक्ट आंसर क्या होगा पता है तभी कर सकते हो नहीं तो आ, मुश्किल हो जाएगी इस क्वेश्चन के अंदर आंसर करना अब दीनबंधु मित्रा का नील दर्पण है ठीक है दीनबंधु मित्रा का नील दर्पण है ये मेरे को पता है इंडिगो रिवोल्ट से रिलेटेड है तो बी का तो थ्री है अब बी का थ्री देखो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है तो एलिमिनेशन हो गया हाल हाल ही में अभी जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का 2023 का पेपर हुआ है लेकिन उसके अंदर एक पैटर्न ये ऑब्जर्व किया गया कि एलिमिनेशन से क्वेश्चन नहीं हो रहे थे तो आप भी उस चीज़ के लिए तैयार रहना कि आपका पेपर भी ऐसा हो जहाँ पर एलिमिनेशन नहीं होंगे ऑप्शन या तो आते हैं या नहीं आते हैं एलिमिनेशन का स्कोप खत्म कर दिया यूपीएससी ने इस बार अपने सिविल सर्विसेज के एग्जाम में बट इसके अंदर आपका एलिमिनेशन होकर के आंसर इजीली आपका सी निकल के आ जाता है तो सी में आपका बंकिम चंद्र की की है है देवी चौधरानी ठीक जी उसके बाद दीनबंधु मित्रा की हो गई नील दर्पण और फाइनली आपकी जो शतरंज के खिलाड़ी है वो हो गई प्रेमचंद की तो ये इसका करेक्ट आंसर है बुक्स के ऊपर क्वेश्चन बहुत बार उसके अंदर यूपीएससी में हर एग्जाम में आप देखोगे पूछता ही है वो नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ ये मोर और लेस आप ये लगा लो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का क्वेश्चन है फ्रीडम स्ट्रगल से आप इसको रिलेट करो या ना करो पहली टेलीग्राफ लाइन इन इंडिया वॉज लेड बिटवीन कोलकाता जो पहले कैलकाटा कहा जाता था इन डायमंड हार्बर और पहला एक, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इन इंडिया वॉ सेटअप इन कांडला ये तो बेसिकली हिस्ट्री में नहीं ये पीआईबी के अंदर एक पॉइंट कवर हुआ था ठीक है और ये यूपीएससी ने अपने वेरियस एग्जामिनेशन के अंदर बार बार पूछा है ये एच सी जैसे हरियाणा सिविल सर्विसेज वगैरह ना उसमें भी पूछा गया था तो पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन इन इंडिया वॉ सेट इन कांडला बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इनफैक्ट ये एशिया का पहला एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन था कांडला का और पहला स्टेटमेंट भी आपका सही है आंसर यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन सी बोथ ऑफ दी तो टेलीग्राफ लाइन कैलकटा से बॉम्बे को सबसे पहले कनेक्ट किया था जो आपका डायमंड हार्बर है एंड देन थ्रू मद्रास एंड पेशावर ओके एंड इंडिया का फर्स्ट जो बेसिकली एशिया का भी फर्स्ट था एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वो कांडला में सेटअप हुआ था नाइनटीन में तो थोड़ा सा डेट को भी याद रख पाओ तो रख लेना थर्ड क्वेश्चन अगेन गवर्नर जनरल बेस्ड क्वेश्चन है, यह तो in है। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस जब ये गवर्नर जनरल थे तब कोविनेटेड सिविल सर्विसेज का सिस्टम शुरू हुआ था कॉर्नवालिस के टाइम पर जो और इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स है जो आपने याद रखने हैं थर्ड मैसोर वॉर जो uh, आपका लड़ा गया था किसके साथ कौन थे उस टाइम पर हैदर अली के बेटे है ना हैदर अली के बेटे का क्या नाम था हैदर अली सन टिपू सुल्तान है ना थर्ड माइसोर वॉर उनके साथ लड़ा गया था और ट्रीटी ऑफ सिंगापटनम साइन की गई थी उसके बाद एक कॉनवालिस कोड आया था जिसके अंदर जुडिशियल रिफॉर्म्स और रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल जुडिस्ट्रिक्शन को अलग किया गया परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल अगेन वेरी पॉइंट के टाइम पर इंट्रोड्यूस किया गया था एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को यूरोपनाइजेशन करने का काम इन्होंने किया इंट्रोडक्शन ऑफ सिविल सर्विसेज का भी क्रेडिट इनको जाता है इसलिए फादर ऑफ सिविल सर्विसेज कहा जाता है तो इंपॉर्टेंट पॉइंट अब जैसे सीधा पूछ लेता परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल के टाइम पर कौन था गवर्नर जनरल ठीक है तो पता होना चाहिए नेक्स्ट वट वॉज द इमीजिएट रीजन फॉर अहमद शाह अब्दाली टू इन्वेट इंडिया एंड फाइट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इमीजिएट रीजन क्या था जिसकी वजह से अहमद शाह अब्दाली जो है इन्होंने इंडिया को इन्वेट किया जस्ट कई तो बेसिकली सवाल क्या है कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का इमीजिएट रीजन क्या था आ तो वो बार-बार रहा था वैसे भी आ रहा था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत से पहले भी आ रहा था मुगल्स को तो उसने तंग किया ही हुआ था ऑप्शन ए कहता है कि ही वांटेड टू एवेंज द एक्सपल्शन बाय मराठास ऑफ हिज वॉइस रॉय मराठास ने इसके वॉइस रॉय को जो इसने दिल्ली में छोड़ कर के गया था उसको बाहर कर दिया था इसीलिए इसको गुस्सा आ गया दूसरा फ्रस्ट्रेटेड द फ्रस्ट्रेटेड गवर्नर ऑफ जालंधर अदीना बेग खान इनवाइटेड इनवाइटेड हिम टू इनवेड पंजाब पंजाब इन्वेड करने के लिए अदीना बेग खान ने इनको बुलाया मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को पनिश करना था क्योंकि वो इसको इसके रेवेन्यू नहीं दे रहे थे चार महल के बेसिकली गुजरात औरंगाबाद सियालकोटरूर के चौथा कि पंजाब के फर्टाइल प्लेन्स को एनेक्स करना चाहता था इमिजिएट रीजन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का यहां पर करेक्ट आंसर दोस्तों है, आपका ऑप्शन मराठाओं ने क्या किया इसके वॉइस रॉय को बाहर कर दिया जो ये छोड़ करके गया था मुगल्स के पास तो इसको गुस्सा आ गया कह रहा ये क्या बेचती है ठीक है तो ये आया था तो अहमद शाह अब्दाली ये जो अहमद शाह दुरानी जिसका नाम था नादिर शाह का ये एक तरीके से सक्सेसर था 1747 में नादिर शाह की डेथ हो गई तो इंडिया तो ये बार बार आया 1748 से 1767 तक आता था लूट करके चला जाता था मुगल्स को कंटिन्यूसली हरास किया मुगल्स ने उल्टा डर करके इसको -152 में क्या बोला यार तू पंजाब रख ले तू हम पे हम पे थोड़ी सी मेहरबानी कर हमें इतना तंग मत किया तू पंजाब रख ले तो पंजाब तो मुगल्स ने इसको अपने आप अप दे दिया था तो वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में पंजाब जीतने क्यों आएगा पंजाब तो ऑलरेडी इसको दे दिया था उन्होंने और अहमद शाह ने इसके बदले क्या किया उसने दिल्ली तो कब्जे में कर ही लिया था पर उसको दिल्ली में रहने में मजा नहीं आता था अफगान आदमी था कहता यार ठंडी या गर्मी है दिल्ली में कौन रहेगा तो वो क्या उसने क्या किया वो एक अपने केयर टेकर को छोड़ गया मुगल बादशाह के ऊपर ठीक है उसने कहा कि आलमगीर टू तू भाई मुगल एम्पर है आलमगीर टू को मुगल एम्पर बना दिया और अपना एक रोहिला का एक चीफ होता था नजीब उद्दौला उसको मीर बख्शी बना करके चला गया एम्पायर का एक तरीके से वो अब्दाली का एजेंट था 1758 में क्या हुआ जब मुगल मुगल और मराठाओं की थोड़ी सी दोस्ती आ रही होने लगी और मराठाज ने एक तरीके से अपना पूरे स्ट्रेंथ में थे मराठा मराठा उस टाइम पर इन्होंने कहा यार ये नजीब उद्दौला को बाहर करो हमने हमें नहीं ने पंजाब भी कैप्चर कर लिया, और फिर अहमद शाह अब्दाली बोला यार ये तो गलत बात है कि यार मेरा बंदा तुमने बाहर कर दिया और इसी खुंदक से वो मराठा फिर लड़ने आया एंड अल्टीमेटली थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया ठीक है सेवनटीन तक तो उसने तंग करके रखा इनको मुगलों को नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब आपका प्यडिचेरी है उससे रिलेटेड कुछ गिवन है पहला स्टेटमेंट पहली यूरोपियन पावर जिसने रिलेटेडीचरी को ऑक्यूपाई करा वो पोर्टुगीज थे दूसरा सेकेंड यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पोंडिचरी वर द फ्रेंच तीसरा कि भाई इंग्लिश ने तो कभी पौंडीचरी को ऑक्युपाई नहीं किया अंग्रेजों के पास कभी पोंडिचरी नहीं था देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन बच्चे को कितना कंफ्यूज करते हैं क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो Pud पौंडीचरी हमें बाद में मिला 1947 के बाद में मिला और वो फ्रेंच के अंडर था तो कहीं ना कहीं बच्चे दिमाग यही लगाते हैं कि यार इंग्लिश ने कभी ऑक्यूपाई नहीं किया होगा और वो सीधा बोल देंगे कि हाँ थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है ठीक है और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट देखते ही वो कहेंगे कि यार ऑप्शन ए नहीं हो सकता ठीक है क्योंकि थर्ड तो करेक्ट हो गई होगा बट इसके अंदर जो आपका आंसर है वो बेटा सिर्फ ऑप्शन ए करेक्ट है बाकी दोनों स्टेटमेंट आपकी गलत है ये बिल्कुल सही बात है कि पोर्टुगीज जो थे वो पहले थे जिन्होंने पॉन्डीचेरी को ऑक्यूपाई किया फैक्ट्री कि ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन हुई थी अट्ठारह सो में और उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि यार ये गिफ्ट के तौर पे दे दिया इंग्लैंड ने फ्रेंच को तो ये था तो पहले सबसे पहले पोर्टुगीज के पास फिर डच के पास गया फिर अंग्रेजों के पास गया फिर उन्होंने फ्रेंच को दे दिया और फिर वो एंड तक फ्रेंच के पास ही रहा क्वेश्चन विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया होम चार्जेस फॉर्मड एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूटेड होम चार्जेस तो जब रिवोल्टीन फिफ्टी सेवन के बाद बहुत सारे इंडियन इकोनॉमिस्ट फ्रंट पे आए उन्होंने बोला यार ये तो हमारे देश को लूट रहे हैं अंग्रेज हमारे देश को लूट रहे हैं और वो उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला यार ये ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है जो हिंदुस्तान की वेल्थ है वो सारी बाहर जा रही है

तो ये क्या थे होम चार्जेस में क्या क्या आता था आंसर होगा इसका ऑप्शन डी ये तीनों आ जाते थे ठीक है है इंडिया ऑफिस ऑफिस का खर्चा खर्चा अब में है, पर उसका खर्चा हिंदुस्तान उठाएगा अंग्रेज लड़ रहे हैं उसका खर्चा हिंदुस्तान उठाएगा सैलरी और जो पेंशन है वो भी हिंदुस्तान खर्चा उठाएगा तो ये सारा इससे क्या हो रहा था सारा पैसा ब्रिटेन में जा रहा था हिंदुस्तान का पैसा ड्रेन हो रहा था ठीक है सो दीज वर द होम चार्जेस सेवेंथ क्वेश्चन वट वॉज फॉर विच सर विलियम had एंड up the Indian इन एटीन in थ्री इंडियन नेशनल कांग्रेस की वेबसाइट के ऊपर जाकर के आपको बहुत सारी डिटेल मिल जाएगी वेडरबन के बारे में अगर आप लिखोगे ना सर विलियम वेडरबन आई एन सी गूगल पे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी ऑप्शन ये है कि भैया टू एजिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हाउस ऑफ कॉमन्स में लंडन की जो लोकसभा थी उसमें इंडियन पोलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए एजिटेट करना कैंपेन फॉर द एंट्री ऑफ इंडियन इंटू द इम्पीरियल जुडिशरी थर्ड फैसिलिटेट अ डिस्कशन ऑन इंडिया इंडिपेंडेंस फोर्थ एंट्री ऑफ एमिनेंट इंडियंस इंटू द ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एंट्री तो इसका बेसिकली इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी फॉर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स

ठीक है मद्रास प्रेसिडेंसी में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इसके अंदर बिचोलिए नहीं होते थे जैसे जो परमानेंट सेटलमेंट के अंदर होते थे इसमें लैंड रेवेन्यू डायरेक्टली बेसिकली स्टेट जो है डायरेक्टली फार्मर के साथ डील कर रही थी ठीक है इंडिविजुअल कल्टिवेटर को रियोत बोला जाता था इसीलिए रियोत वाली सिस्टम और वो डायरेक्टली अपना रेंट देता था ठीक है जो भी सेल ट्रांसफर जो सब होना है वो सब डायरेक्ट होता था और रियोत को निकाल नहीं सकते थे जब तक वो रेंट पे कर रहा है और रेंट पे करने के लिए भी लैंड की प्रॉपर असेसमेंट होती थी ठीक है पहली बार तमिलनाडु में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मद्रास बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन मूर्ति पूजन डिनाइड नीड फॉर प्रीस्टली क्लास फॉर इंटरप्रेटिंग पंडित ही सिर्फ रिलीजियस टेक्स्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता थर्ड पॉपुलराइज द डॉक्टर आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है देखो पहले दो तो स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है ठीक है पहले दो तो क्यों करेक्ट है कि ये मूर्ति पूजन के अगेंस्ट थे और ये ये भी अगेंस्ट थे कि रिलीजियस टेक्स्ट सिर्फ प्रीस्ट जो है वो रीड कर सकते हैं ठीक है इन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं है भगवान मन के अंदर है मूर्तियों की पूजा करने की जरूरत नहीं है और सिर्फ प्रीस्ट का राइट नहीं है ब्रह्मो समाज के जो फाउंडर थे राजा राम मोहन राय वो कहते थे वेदाज आर द ट्रू टेक्स्ट ठीक है लेकिन उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि वेदास आर इनफॉलिबल वो क्या बोलते थे वो बोलते थे रीजनिंग होनी चाहिए हर चीज की एंड अगर वेदास के अंदर भी कुछ ऐसा है जो प्रैक्टिकल नहीं है जो रीजनेबल नहीं है जो ह्यूमन रीजनिंग जिसको डिफाइन नहीं कर पा रही तो उस केस में आप वेदास को भी गलत बोल सकते हो तो वेदास इनफॉलिबल होने का मतलब क्या है कि हो ही नहीं सकता पर ऐसा नहीं वो वेदास के फेवर में थे वेद राजा राम मोहन रॉय तो बोलते थे उपनिषाद और वेदास को प्रमोट करते थे वो तो कि ट्रू टीचिंग्स के ऊपर जाओ उपनिषद और वेदास की बट उन्होंने कभी भी ये नहीं बोला कि ये इन्फॉलिबल है इसीलिए थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाता है और आंसर आपका यहाँ लैंड रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द दॉइल एंड द क्वालिटी ऑफ क्रॉप अच्छा जी दूसरा यूज ऑफ मोबाइल कैन इन वॉरफेयर अच्छा जी तीसरा कल्टिवेशन ऑफ टोबैको एंड रेड चिलीज इनमें से क्या अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया तो आंसर इसका है ऑप्शन डी इनमें से कुछ भी अंग्रेजों ने नहीं इंट्रोड्यूस किया देखो ये जो लैंड असेसमेंट सॉइल का नेचर और क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स के हिसाब से लैंड रेवेन्यू है तो राजा तोदरमल लेकर के आए थे अकबर के टाइम पर तो अंग्रेजों से पहले आ चुका था उसके बाद जो मोबाइल कैनन्स की बात है तोपो की बात है वो बाबर ले आया था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में ठीक है तभी उसने इब्राहिम लोधी को हरा पाया था वो इब्राहिम की फौज कई गुना बड़ी थी बाबर से, उसके पास ये मॉडर्न मोबाइल होप आप लोगों को मजा आया होगा और इसी तरीके से अब हम फटाफट से कवर करते रहेंगे एंड डो नॉट वरी लेक्चर्स आपको सफिशियंट अगले एक महीना हमने आंधी डाल देनी है लेक्चरों की चिंता नहीं करनी है आपने ठीक है रोज के चार पाँच चार पाँच छः जितने लेक्चर हो पाएंगे उतने डालने की कोशिश करूंगा बस आपने देखते जाना है उनको साथ के साथ ठीक है चैनल को सब्सक्राइब करना मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में टिल देन टेक केयर एंड बाय